सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल इंट्राडे गाइड को, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। गाइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और इस लिंक को दबाइए, इससे आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर पहुंच सकते हैं और आप मेरे ग्रुप पे ऐड हो सकते हैं। तो इस ग्रुप पे मैं आपको बताऊंगा जब भी मार्केट ओपन होगा, मार्केट आवर्स के अंदर मैं आपको कॉल्स प्रोवाइड कराऊंगा जिस पे आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। तो ये मेरे व्यूअर्स के लिए है। तो अभी आपने अगर मेरे टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड नहीं करा है तो अभी जाकर डाउनलोड करिए और इस लिंक को दबा के मेरे चैनल पर तुरंत ऐड हो जाइए। अभी कुल 1000 पीपल्स ऐड हो चुके हैं और भी ऐड हो जाएंगे तो आपको शॉर्ट शॉर्ट प्रॉफिट ज़रूर मिलेगा। हे गाइस, स्वागत है आपका इंट्राडे गाइड पे। मैं हूँ आपका दोस्त शिवांश भसीन। तो आज हम बात करेंगे कि जेपी एसोसिएट्स और रिलायंस कम्युनिकेशन का सपोर्ट और रेजिस्टेंस किधर है। तो मेरे पास बहुत से व्यूअर्स के कमेंट्स आए, मेरे पास बहुत से व्हाट्सएप आए थे मेरे व्यूअर्स की, कि वो लोग चाहते थे कि उनके पास जेपी एसोसिएट्स पड़ा हुआ है और रिलायंस कम्युनिकेशन पड़ा हुआ है। तो बहुत से ऐसे व्यूअर्स हैं जो फंसे हुए हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो फंसे हुए हैं शेयर मार्केट में इन दो स्टॉक्स के अंदर, जेपी एसोसिएट्स और रिलायंस कम्युनिकेशन के अंदर। तो अब इसका सपोर्ट कहां बन चुका है, क्या अब ये अपसाइड दिखा सकता है, कितने लेवल्स में पहुंच सकता है ये स्टॉक, क्या इसका सपोर्ट बन गया है। तो अब हम देखेंगे चार्ट्स के अंदर कि इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस किधर है। तो ये दो स्टॉक्स में मैं आपको यही सलाह दूंगा कि अगर आपको आपका बाइंग प्राइस, अगर आप इसे होल्ड करके रखते हैं, अगर आपको आपका बाइंग प्राइस मिल जाता है और अगर आपको लॉस होता है तो आप इसे कट मत करिए, पर हम कह सकते हैं अगर आपको आपका बाइंग प्राइस मिल जाता है तो आप इस स्टॉक से जरूर निकल जाइएगा। और अगर आप प्रॉफिट में हैं तो वो भी आप अपना एक स्टॉप लॉस मान के इसे ट्रेल कर सकते हैं, पर आप इसमें फ्रेश बाइंग बिल्कुल भी ना करिए। तो अगर आपको फ्रेश बाइंग करनी है तो वो भी आपको मैं टारगेट्स और स्टॉप लॉस बता देता हूँ। तो चार्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने रिलायंस कम्युनिकेशन का चार्ट ओपन करके रखा हुआ है, मैंने डेली चार्ट ओपन करके रखा हुआ है और इसमें मैंने जो इंडिकेटर्स और टूल्स लगाए हैं, इसमें मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लगाया हुआ है और यहाँ पर मैंने इंडिकेटर में आरएसआई और मूविंग एवरेजेस लगाई हुई है। तो अगर हम बढ़ते हैं स्टॉक्स के, अगर हम सपोर्ट की बात करते हैं तो आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं कि रिट्रेसमेंट लेवल में, अगर मैं आपको थोड़ा सा जूम यहाँ पर अगर आपको मैं दिखाऊं तो आप यहाँ देख सकते हैं ये एक इसका रेजिस्टेंस है 40 के लेवल में, क्योंकि इस लेवल को ये क्रॉस नहीं करता। आप देख सकते हैं 38.2 रिट्रेसमेंट लेवल, फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो ये टूल है ये बहुत अच्छे तरीके से हमें बता देता है कि इसका सपोर्ट और इसका रेजिस्टेंस कहां पर बन रहा है। तो ये इसके लिए भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो भी मैं आपको शो करवा दूंगा। और अगर आपको देख सकते हैं कि 38.2 रिट्रेसमेंट लेवल है, यहां पर आप देख सकते हैं कि इसने यहाँ पर रेजिस्टेंस, इसका यहाँ पर रेजिस्टेंस था, इसके ऊपर ये नहीं निकल पाया था। तो अगर हम बात करें रेजिस्टेंस की तो ये 40 रुपए के आसपास इसका रेजिस्टेंस है और ये अभी 14.5 रुपए के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। इसके सपोर्ट की बात करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने डबल बॉटम बनाया है, 9:30 के करीब इसने अपना डबल बॉटम बनाया है। और अगर हम बात करते हैं डबल बॉटम की तो यहाँ से हम एक बाउंस बैक की आने की संभावना रखते हैं। तो हमने देखा था कि जैसे ही इसने डबल बॉटम अपने, जैसे हम बात करें यहाँ पर इसने 2018 से पहले जो इसने यहाँ पर दिसंबर और नवंबर के बीच में इसने जो अपना डबल बॉटम बनाया था वहां से हमने देखी थी एक रिकवरी आई थी और रिकवरी इसे 38.2 रिट्रेसमेंट लेवल तक लेकर चली गई थी जो कि 40 का लेवल था, यानी हम कह सकते हैं कि ये 3 या 4 गुना हो गया था। तो अब वैसा ही हमने सिस्टम यहाँ पर बनते हुए देखा कि इसने यहाँ पर डबल बॉटम बना दिया है और डबल बॉटम के बाद हम कह सकते हैं कि ये एक जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। अगर आप 9.20 का यहाँ पर अगर आप स्टॉप लॉस मान के चलते हैं और अगर आप इसे ट्रेल करते हैं तो आपको जो अपसाइड में लेवल्स मिल सकते हैं आने वाले 1 महीने 1.5 महीने के अंदर, वो 40 तक के लेवल्स मिल सकते हैं। अगर इस कंपनी की बात करें तो इस कंपनी को NCLT से बाहर करने की भी बात चल रही है, तो शायद इसमें एक अच्छी रिकवरी और आ सकती है और ये और ऊपर के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने डबल बॉटम बनाया है 0% रिट्रेसमेंट लेवल पे 9:30 के आसपास। अगर आप इसका स्टॉप लॉस मान के ट्रेल करते हैं इसे तो आपको ये बहुत अच्छी अपसाइड में प्रॉफिट कमा के दे सकता है। अगर हम इसे जूम करें और इसके मूविंग एवरेजेस की तरफ बढ़ते हैं तो आप देख सकते हैं इसने यहाँ पर 100-day मूविंग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का इसने टॉप बनाया था, उसके बाद से हमने फिर एक गिरावट आते हुए देख ली थी जो 20 का लेवल था। तो 20 और अगर हम बात करें कि 20 और 22 एक साइकोलॉजिकली सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा, अगर 22 रुपए के या 23 रुपए के ऊपर ये निकल जाता है तो हम 40 रुपए तक की अपसाइड इसके अंदर आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती है। तो ये आर कॉम के लिए जो मैंने आपको बताया, जो भी व्यूअर्स फंसे हुए थे उनकी मैंने क्वेरी इसे सॉल्व कर दी है।
अब जेपी एसोसिएट्स की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि एक तरीके से भी इसने डबल बॉटम बनाया हुआ है, राउंड शेप पैटर्न इसने बनाया हुआ है। तो राउंड शेप पैटर्न में एक्चुअली होता ही है कि यहाँ से इसने सपोर्ट ले रखा है, आप देख सकते हैं 61.8 रेट्रेसमेंट लेवल जो इसका 14.40 का लेवल है, आज भी मैंने देखा था उसमें इसने लो बनाया था अपना आज जेपी एसोसिएट्स में, उसके बाद हमने इसमें रिकवरी आते हुए देखी और ये अच्छे लेवल से यानी 10% का अपर सर्किट लगा के इसने अच्छी में क्लोजिंग दिया। मैंने देखा था कि कल इसमें गिरावट आई थी क्योंकि हमने पिछले ट्रेडिंग सेशन में इसमें 25% तक का अपर सर्किट लग गया था, तो ये अब हम कह सकते हैं इसने डबल बॉटम यहाँ पर बनाया हुआ है। अगर हम देखते हैं कि कल इसमें गिरावट नहीं आती और ये और ऊपर के लेवल्स बनना शुरू हो जाता है और ये अभी इसमें क्लोजिंग जो आई है 16 रुपए 15 रुपए 75 पैसे के आसपास की इसकी क्लोजिंग है। अगर ये हम कह सकते हैं कि इसमें जो अपसाइड बन सकती है वो 17.65 तक की बन सकती है और अगर उसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो हम 20 से 22 रुपए तक की भी जेपी एसोसिएट्स के अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये इतने लेवल्स दिखा सकता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि एक महीने या 2-3 महीने तक अगर हम बात करें कि इसने मार्च से लेकर जून तक, अगर हम बात करें मार्च से लेकर मई तक इसने पूरा रेंज बाउंड करा है इस लेवल के ऊपर, यानी कि 20-22 रुपए के ऊपर ये सस्टेन नहीं कर पाया, वहां से हमें फिर एक शॉर्टफॉल आते हुए देखने को मिल जाता था। तो अगर ये 22 रुपए या 17 रुपए के ऊपर निकलता है तो हम 20 रुपए तक ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं और अगर ये 20 रुपए के ऊपर निकलता है तो आप समझ सकते हैं कि आप बहुत अच्छे लेवल्स के ऊपर जा सकते हैं और ये आपको अच्छे खासा मुनाफा करा के दे सकती है। तो इसको अगर आप, मैं आपको यहाँ पर आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और अभी फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल अपने उसमें भी बना सकते हैं अपने चार्ट पे और इसे डेली बेसिस में ऑब्जर्व कर सकते हैं आरकॉम और जेपी एसोसिएट्स को। तो ये मैंने अपनी इसको शॉर्ट करके रख दिया, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने रखा हुआ है, आप इसे वीडियो को पॉज कर सकते हैं और अपने लेवल के हिसाब से रिट्रेसमेंट लेवल बना सकते हैं। आपको रिट्रेसमेंट लेवल नीचे से ऊपर की तरफ जेपी एसोसिएट्स में खींचना है और आरकॉम में आपको ऊपर से नीचे की तरफ खींचना है, तो यहाँ पर आपको डबल सपोर्ट मिल जाएगा और जेपी एसोसिएट्स में भी आपको डबल सपोर्ट के हिसाब से यहाँ पर मिल जाएगा। तो आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, वीडियो को लाइक जरूर करना, अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी तो मैंने आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बता दिए जेपी एसोसिएट्स और रिलायंस कम्युनिकेशन के अंदर। जो लोग भी फंसे हुए हैं इस वीडियो को देखकर वहां से बाहर निकल सकते हैं, तो अच्छे से ट्रेड लीजिएगा और हैप्पी ट्रेडिंग।